आज हमारे समाज में व्याप्त एक बुरी प्रथा, लेकिन एक बेहद जरूरी रस्म भी, एक तरह से एक बेटी के भविष्य के सुखमय होने की गारंटी, एक दिखावा, एक अभिमान अपना सामर्थ्य दिखाने का। वही कई बार वधु पक्ष से अपेक्षित दहेज न मिल पाने के कारण दहेज के लिए सताई जाती हैं बेटियां। कुछ समय पहले तक एक अच्छी खासी संख्या दहेज पीड़िताओं की थी, लेकिन जल्द ही इस दिशा में सार्थक कदम उठाए गए। कानून आया 498A की शक्ल में। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रहा, लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिली कि इस कानून का दुरुपयोग वधु पक्ष द्वारा बड़ी तेजी से किया जा रहा है। हजारों की तादाद में बेकसूर औरतों को औरत के द्वारा दहेज मामलों में झूठा फंसाया जा चुका है। अस्मिता के आज के अंक में हम जानने की कोशिश करेंगे दहेज कानून के दुरुपयोग को लेकर चल रही सुगबुगाहट पर। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सब से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी हैं मधु किश्वर जी। आप प्रोफेसर हैं, CSTS से आपका ताल्लुक है। स्वागत है मधु जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं शोनी कपूर जी। आप सेव फैमिली फाउंडेशन से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं। स्वागत है शोनी जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सुनील कुमार जी। आप लॉ ऑफिसर हैं और तिहाड़ जेल से आपका ताल्लुक है। स्वागत है आपका सुनील जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अल्बिना, आप एडवा कार्यकर्ता हैं। खुश आमदीद अल्बिना अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं PK रॉय जी। आप पूर्व डिप्टी SP रहे हैं और राष्ट्रपति पदक से भी आपको आपकी सेवाओं के लिए नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ ऑडियंस में शिखर की कुछ बहुत प्यारी सी बच्चियाँ, Tech 1 के स्टूडेंट्स और कुछ खास मेहमान शिरकत कर रहे हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नज़र डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। दहेज कानून के दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज प्रतिबंध कानून के तहत शिकायत करने के बाद लड़के और उसके घर वालों की गिरफ्तारी का प्रावधान है। देखा जाए तो इन गिरफ्तारियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि दर्ज कराए गए 100 मामलों में से 98% झूठे निकले। इस कानून का दुरुपयोग करते हुए अब तक करीब 2 लाख से अधिक महिलाओं पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। लंबित मामलों में कहीं न कहीं इस बात के संकेत मिले कि कुछ बहुएं वास्तव में उत्पीड़न की शिकार थीं, तो कहीं वो उत्पीड़क की भूमिका अदा करती हुई भी दिखाई दी। यदा कदा इस कानून में संशोधन की बातें सुनने को मिलती रहती है, लेकिन इस पर अब तक खुलकर चर्चा करने से गुरेज है। हालांकि मंत्रालय ने अपनी ओर से पहल तो की है। राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को एक चिट्ठी के माध्यम से 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की गई है और कहा गया है कि इसके तहत गिरफ्तारी आखिरी कदम पर ही होनी चाहिए। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा TV। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। मेरा पहला सवाल मधु जी आपसे, दहेज कानून के दुरुपयोग की बात की जा रही है, अमूमन हमारी जो भारतीय संस्कृति है या जो हमारी सभ्यता है या जो हमारी परंपराएं हैं, उसमें शुरू से लड़की को इस तरह से तैयार किया जाता है कि तुम्हारी जिस घर में डोली जाएगी वहीं से वो अर्थी भी निकले। शुरू से लड़कियों के दिमाग में ये डाला जाता है। शहरों की बात अगर छोड़ दी जाए तो आज भी गाँव में ये परम्परा कायम है। क्या आपको लगता है कि एक औरत जो एक घर को बनाती है वो इस तरह के कानून का उपयोग करके अपना मतलब साध सकती है? देखिए, जब आप कानून बनाते ही इतने उलझलूल हैं कि उनका सार्थक उपयोग बहुत मुश्किल और इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी ऐसी नकारात्मक कि उनका सही उपयोग बहुत ही मुश्किल है। जेन्युइन विक्टिम्स के लिए रिलीफ पाना बहुत कठिन है, परंतु कानून में ऐसी खामियां बड़ी बड़ी हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आपने कोई चीज़ को क्राइम डिक्लेयर करना है और उसको बैन करना है, तो सबसे पहले उस क्राइम की परिभाषा तो अकल से की जाए। अगर आप डाउरी की परिभाषा ही देखिए, परिभाषा कहती है एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज और बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन एट और बिफोर
और एनी अदर टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज। अब आप बताइए इसका इस परिभाषा के अनुसार मैं अपनी सहेली को एक टेबल लैंप उसकी शादी में दूं तो वो भी बैन इस डाउरी कानून के प्रति इलीगल है, कुछ भी देना इलीगल है, यानी कुछ भी एक रुमाल भी नहीं आप दे सकते इस परिभाषा से। उसके बाद इतनी ओवर आर्चिंग डेफिनेशन दे के फिर कहा जाता है पर डाउरी मना है पर गिफ्ट्स अलाउड है। अब आप बताइए कौन सा माँ बाप है जो एक फ्रिज देगा तो कहेगा ये तो गिफ्ट है, अब दूसरा एयर कंडीशनर है या सोफा है ये डाउरी है। और डाउरी उसके बाद ग्रूम को भी, बेटी को गिफ्ट्स अलाउड है, फिर उसके बाद ग्रूम को भी गिफ्ट्स अलाउड है यदि वो पारंपरिक है और आपकी माँ बाप के, लड़की के माँ बाप की इनकम से बहुत इनअप्रोप्रिएट नहीं है, यानी बहुत ज्यादा नहीं है मात्रा में। तो सवाल यह है कि गिफ्ट्स अलाउड है डाउरी अलाउड नहीं। होता क्या है कि शादी के वक्त, और डाउरी की परिभाषा इस तरह की है कि जो मांगी जाए। अब शादी के वक्त आप देखेंगे लड़की वाले कभी नहीं कहते कि हम दे रहे हैं इसलिए मांगा, वो कहेंगे अपनी खुशी से दे रहे हैं, कैसे नहीं देंगे, एक लड़की को खाली हाथ कैसे भेजा जाए, अपनी है वगैरह वगैरह। जैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो जो अपनी मर्जी से दिया वो सारी फिर डाउरी डिमांड में शामिल हो जाती जब पर। और दूसरा, डाउरी लेना और देना दोनों जुर्म है, पर मैंने नहीं सुना कभी कि लड़की वालों को जेल में भेजा जाए क्यों तुमने दिया। वो तो छाती पीटते रोते पीटते आ जाते हैं अदालतों में या थानों में, तो उनको पहले बंद करना चाहिए इस हिसाब से, इस कानून के मुताबिक। तो एक महज इल्जाम लगाना कि मुझसे डाउरी डिमांड की गई है तो क्रूएल्टी की गई है, और क्रूएल्टी की परिभाषा इससे भी उलझलूल है, तो आपको एक्शन लेना ही है। कहीं और आपको कहीं एक उपहार स्वरूप जो है वो आपको एक दुख देता है, जो उपहार स्वरूप का एक जो चल पड़ा है सेव इंडिया फाउंडेशन से। आप सुनी जी, सुनी जी, क्या आपको लगता है जिस तरह की आपने संस्था खोली, क्या कहीं आपको भी ये महसूस हुआ जिसके पीछे आप लोगों ने एक इतना बड़ा कदम उठाया, और पुरुष जो हमारा समाज है, पुरुष सत्तात्मक समाज है, एक पुरुष को सोचा जाता है कि वो परिवार को लेकर चलता है, कहीं ना कहीं इस तरह की जो संस्थाएं खुल रही हैं, जो सपोर्ट कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि परिवार संस्थाएं जो हैं वो और बिखरती चली जाएंगी? सबीना, आपने मुझे कहा कि हमारा परिवार, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, काफी हद तक है मैं मानता हूं। हमारी जो संस्था है वो कोई मेंस मूवमेंट नहीं है, ये सेव फैमिली फाउंडेशन है। हम सेव करना चाहते हैं फैमिली को और जो हमारी परंपरा है उनको। इसका ये मतलब नहीं है कि हम औरतों के खिलाफ हैं, हम औरतों को भी सेव करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि परिवार को अगर बचाना है तो सिर्फ बीवी को बचाने से या वाइफ को बचाने से काम नहीं चलेगा, ननंद जो है, सास जो है, भाभी जो है, वो भी महिलाएं हैं। परिवार को अगर बचाना है तो इनको भी बचाना है, और परिवार को अगर बचाना है तो पुरुष को भी बचाना उतना ही आवश्यक है जितना इस बीवी को बचाना आवश्यक है। जैसा कि अभी मैम ने बताया और जैसा कि आपने हर फोरम में सुना ही होगा, ये क्राइम 498A कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, जिसका मतलब ये है कि कॉग्निजेबल सिर्फ कहने मात्र के आधार पर, औरत के कहने मात्र के आधार पर ये क्राइम रजिस्टर हो जाता है। नॉन बेलेबल है, इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर उसे बेल नहीं दे सकता, उसे बेल लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता उसको पता नहीं चला कि मेरे खिलाफ एक क्राइम रजिस्टर है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकता, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगर आने वाले दिनों में, दो चार दिनों बाद या दो चार महीनों बाद या एक साल बाद भी लड़की को यह एहसास हुआ कि उसने वो गलत किया, या अगर कहीं